सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi भारत में 20 मई को Redmi Note 7 लॉन्च करेगी। इससे पहले फरवरी में Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro लॉन्च किए गए थे। इन स्मार्टफोन्स की सफलता को देखते हुए ही शायद कंपनी अब Redmi Note 7S लॉन्च करने की तैयारी में है। Xiaomi के मुताबिक Redmi Note 7S में 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। हालांकि Redmi Note 7 Pro में भी 48 मेगापिक्सल का ही रियर कैमरा दिया गया है। Xiaomi के इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट में कहा है कि भारतीय MI फैंस के लिए सुपर Redmi Note आ रहा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में ही बता दिया है कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। हालांकि ये Redmi Note 7 Pro से कैसे अलग होगा ये साफ नहीं है। अभी हाल ही में चीन में Redmi Note 7 को स्पेस में भेजा गया था और वहां से कुछ तस्वीरें भी क्लिक की गई थी। मनु जैन ने ट्विटर पर शायद स्पेस वाली वो तस्वीर भी पोस्ट की है जो Redmi Note 7 से क्लिक की गई है। अब ये भी साफ नहीं है कि जो तस्वीर मनु जैन ने पोस्ट की है वो चीन वाले Redmi Note 7 से क्लिक की गई है या फिर मार्केटिंग के लिए लॉन्च होने वाले Redmi Note 7S को भी स्पेस में भेज कर इससे फोटो क्लिक कराई गई है। Redmi Note 7S के बारे में फिलहाल कंपनी ने कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं शेयर की है, लेकिन यह बजट स्मार्टफोन होगा और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ट्रिपल रियर कैमरा भी दिया जा सकता है। Xiaomi यही नहीं रुकने वाली, बल्कि जल्द ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका टीजर जारी कर दिया गया है, लेकिन ये फोन K20 होगा या पोको F2 ये साफ नहीं है। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।